प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के श्रम आयुक्त सुधीर एम बोबड़े ने शुक्रवार को समीक्षा की। गोरखपुर के एनआईसी हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उप श्रम आयुक्त एके सिंह सहित व्यापारी नेता संजय सिंगानिया, योगेंद्र नाथ दुबे, रमेश गुप्ता, प्रवीण मोदी सहित व्यापार मंडल के अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रम आयुक्त सुधीर एम बोबड़े ने कहा कि सभी व्यापारी और उद्यमी प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराएं और उद्योग और व्यापार की गति को आगे बढ़ाएं, जिससे सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। जी नमस्कार, मैं सीपी शर्मा, एमएसएमई एक्सपोर्टर है। देखिए, नोएडा में गारमेंट और टेक्सटाइल फ्रंट कैपेसिटी से काम कर रहे हैं, अगर जो मैं स्टडी करके नहीं आया हूँ, लेकिन अगर इसमें इंडस्ट्री के बारे में हमें बड़ा आसान रहेगा उसे मैपिंग करके उसको नेगोशिएट करना, हमें 80% में लाना अपने आप को, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर अभी आजकल खूब आ रहे हैं लेकिन इसके लिए डिमांड और सप्लाई को आपको मैच करने के लिए प्रदेश स्तर का डेटा जो समय अवेलेबल है आप उसको रिफाइन करना शुरू कर दीजिए। रिफाइन करना पड़ेगा मुझे 5 चाहिए, 100 मिल गया है। आमतौर पे देखा है कि मध्यम जो है वो 8 घंटा जो है उसके लिए कम पड़ता है, 12 घंटा जो है उसको जो इंसेंटिव मिलता है उससे ज्यादा खुश रहता है, नंबर एक। दूसरा, सर इस बीच बहुत से लेबर माइग्रेट की है, हम लोग उसपे शामिल थे और खासतौर पर मालदा और बिहार हमने बहुत लेबर भेजे हैं और हमारी बात कर रही है। ठीक है, देखिए ऐसे स्कीम के लिए जो शर्मा जी ने कहा है और इन्होंने नाटा जी कहा है कि आवास से अच्छा और एनसीआर में और एनसीआर के आसपास आवास मिलना, इससे बहुत बड़ी स्कीम हो सकती है, बहुत बड़ा इंसेंटिव हो सकता है। ठीक है, तो इस पर निश्चित रूप से हम विचार करेंगे। और भी आपके मन में या मस्तिष्क में कोई स्कीम आती है और सभी वहाँ के अधिकारी हमारे सेवा योजन के हो चाहे लेबर के हो, तो स्थानीय स्तर पर और वहाँ पर आपके जिलाधिकारी नोएडा अथॉरिटी उनको भी अगर आप लगातार इंटैक्ट करते रहिए, आपके भी मन मस्तिष्क में कोई स्कीम आती है तो निश्चित रूप से आप हमारे पुनः कर सकते हैं। वी आर ओपन फॉर दैट।